हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लेके आया हूँ एरोंस एडिया का यहाँ पे R3200। ये 3000 वॉट का एम्पलीफायर है। ओवरऑल दोस्तों पूरे एम्पलीफायर को टेस्टिंग देखेंगे, खोल के देखेंगे। और टेस्टिंग इस बारे में थोड़ी सी अलग कर रहा हूँ, दोनों ही चैनल्स पे मैं, ये डबल चैनल है बेसिकली, दो ही चैनल पे मैं अलग अलग लोड डालने वाला हूँ। इसके अलावा ये एम्पलीफायर जो है वो प्राइसिंग भी इसका काफ़ी अच्छा है, यानी कम प्राइस मिड प्राइस के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो मार्केट में जितने भी आपको महंगे महंगे एम्पलीफायर मिलते हैं या फिर कह लीजिए हाई प्राइस वाले एम्पलीफायर का मज़ा आपको यहाँ पे होने वाला है। TD क्लास है, कुछ हटके होने वाला है, कुछ क्वालिटी, सारी चीज़ें जानकारी में देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर की फ्रंट डिटेल्स, क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाती हैं वो अभी हम यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे ऊपर टॉप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एरोंस इंडिया की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं फ्रंट पे बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे ब्रांडिंग है। इसके अलावा इस जो मॉडल है, यानी ये जो अभी रखा हुआ ये मॉडल है R3200, इसको इससे जाना जाता है। साइड में यहाँ पे अंदर की साइड में ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन दिया गया है, ताकि अगर आप ये हैंडल्स भी हटाते हैं तो ये जो बटन है वो कहीं से कहीं डैमेज ना हो, ये प्रोटेक्टिव पूरा ऊपर लगा के दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम नोब्स हो जाते हैं, जिसमें चैनल ए और चैनल बी के लिए आपको देखने को मिला था। यहीं पे आप देख सकते हैं ये हो जाते हैं इसके लेवल इंडिकेटर्स, यहाँ पे ये देखिए ऑन है और यहाँ पे सिग्नल एंड ये लेवल इंडिकेटर्स हो जाते हैं। क्लिप एंड प्रोटेक्ट का भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये वेंटिलेशन जो है वो बना रखे हैं, दो वेंटिलेशन सामने से है, ये इसके हैंडल्स हो जाते हैं। और 2U साइज इसका दिया गया है, बेसिकली आप इसको ईजिली किसी भी 2U फ्लैट केस या फिर 2U रैक में आप इसको लगा सकते हैं। ये है दोस्तों बैक साइड एम्पलीफायर का। यहाँ पे आपको 10 एम्पियर सर्किट ब्रेकर देखने को मिल जाता है। जस्ट उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये 2-पिन प्लग, पावर कॉर्ड की साइज जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। इसके अलावा ये आउटपुट सेक्शन हो जाता है, जिसमें आपको XLR प्लस यहाँ पे ये टर्मिनल्स दोनों ही देखने को मिलते हैं। अगर आप सिंपल वायर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन टर्मिनल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाता है इनका इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल सेक्शन। यहाँ पे आपको जो कि दोनों ही है ये XLRs में मेंशन करे गए हैं, काफ़ी अच्छे बैलेंस रखा गया हर चीज़ को। इसके अलावा अगर मैं ये स्विच सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास सेंसिटिविटी मोड एंड ग्राउंड का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ये दो फैंस का यूज़ करा गया है, 3 इंची के जिसे हम कहते हैं साइज के फैंस यहाँ पे लगाए गए हैं। ओवरऑल ये तो हो जाता है बैक साइड, अभी मैं आपको इंटरनल पार्ट की क्वालिटी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। अगेन दोस्तों यहाँ पे ये एम्पलीफायर मेरे लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ करी गई हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझाने में। और अगेन रिपेयरेबल भी है, और कोई ऐसा नहीं है कि मॉडल ये रिपेयरेबल नहीं होगा, ये पूरा मॉडल यहाँ पे आपके मार्केट में जितने भी पार्ट्स हैं वो ईजिली आपको मिल जाएगा। और ये हो जाता है पूरा पावर सप्लाई का सेक्शन। और अगेन मुझे यहाँ पे अभी ये समझ में आया कि यहाँ पे दो फैन इकट्ठे क्यों दिए गए। अगर एक फ़ैन बाई चांस ऑफ भी हो जाता तो अगर ये दूसरा फ़ैन अगर अपने फुल पोटेंशियल स्पीड पे भी चलेगा तो यहाँ पे ये जो कि हीट सिंक्स दे रखे हैं या फिर यहाँ पे हीटिंग इशू नहीं होने देगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि एक सेट पे पूरा ही शिफ्ट कर दिया गया है मॉड्यूल्स को। अगेन ये पावर सप्लाई हो जाता है इसका, ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई का टॉरॉइडल ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे ये कैपेसिटर्स जो है वो मेंशन करे गए हैं। ओवरऑल अगर मैं थोड़ा सा आपको फ्रंट से भी दिखाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको इसके अंदर पार्ट्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा चलिए जूम कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फ्रंट पे भी बोर्ड जो है वो प्लेसमेंट करे गए हैं। ओवरऑल अच्छा लगा एम्पलीफायर को देखने के बाद इंटरनल पार्ट पे। अगेन जब मैंने इसको टेस्ट करा तो मुझे नहीं लग रहा था कि इसके अंदर ये मटेरियल्स यूज़ में लिए गए हैं। अगेन देख के काफ़ी अच्छा है, तो ये पूरा सेपरेट कर दिया गया है। अगेन ओवरऑल दोस्तों ये है इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। तो उससे कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस एम्पलीफायर की जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। आई होप आपने जो कि इंटरनल पार्ट की क्वालिटी देखी होगी, पसंद आया होगा ये एम्पलीफायर। कुछ अलग है, कुछ हटके बनाया गया है। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके स्पेशल्स कुछ और डिटेल के बारे में, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इसके 8 ओम्स की पावर आउटपुट। दोस्तों ये जो कि पर चैनल 8 ओम्स है, ये आउटपुट आपको देता है 900 वाट का, 900 प्लस 900। यहीं अगर आप इस पर 4 ओम्स पे रन करना चाहते हैं, जैसे कि आपके डबल 15 के टॉप हैं, तो आप 4 ओम्स पे इस पर 1500 वाट तक का जो है वो लोड डाल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डैम्पिंग फैक्टर इसका 250 जो है वो हमें मेंशन करा गया है। वेट की बात करूं, जैसे कि मैंने इसको उठा के देखा, अब ये 2U साइज़ भी है,
पावर रेटिंग्स के हिसाब से वेट भी काफ़ी अच्छा है, यानी हर चीज़ जो है वो बैलेंस्ड में रखा गया है। 23 किलो 700 ग्राम का जो है उसमें आपको वेट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों क्लास की बात करें, यानी कौन से क्लास के अंदर है दोस्तों, ये TD क्लास के अंदर आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल बाकी स्पेशल्स और कुछ डिटेल्स वाइज आपको जानना हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेंशन करा हुआ है। अभी दोस्तों रहते हैं बात टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग मैं इस बार थोड़ी सी अलग कर रहा हूँ। रीज़न यही है कि ये एम्पलीफायर भी थोड़ा सा अलग है बाकी एम्पलीफायर से, क्लास एस से ले लीजिए या फिर AB से ले लीजिए। तो यहाँ पे टेस्टिंग पे मैं दोनों ही चैनल पे अलग अलग सेपरेट सेपरेट लोड डालूंगा, एक पे थोड़ा भारी रखेंगे, एक पे पूरा करेक्ट लोड रखेंगे हम। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं टेस्टिंग। तो गाइस अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर की टेस्टिंग के लिए, तो एम्पलीफायर मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ और काफ़ी देर तक मैं जो है उसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज की जो टेस्टिंग रहेगी वो थोड़ी सी अलग है बाकी सभी से। उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा। रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने आपको एम्पलीफायर का आउटपुट बताया, अभी क्या है कि आप इस पर 15 के जो है वो टॉप तो चला सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे चला सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर 2 टॉप लगाता हूँ सेम वोल्टेज के, तो आपको लगेगा ठीक है ये सेम वोल्टेज का इस पर चलेगा, लेकिन नहीं। आज के इस वीडियो में मैंने क्या करा है कि एक चैनल पे मैंने जो टॉप की पावर है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है, और एक चैनल पे जो पावर है टॉप की वो थोड़ी सी हमने यहाँ पे बैलेंस ही रखी है इस एम्पलीफायर के हिसाब से। तो हम ये चीज़ भी देखेंगे कि ये एम्पलीफायर का हीट तो नहीं हो रहा है अगर हम एक चैनल पे ओवरलोड डालते हैं तो। चलिए ये मैं भी आपको बता देता हूँ एम्पलीफायर के कनेक्शंस की बात करूँ। सबसे पहले आप पीछे देख लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास ये 2 स्पीकर्स लिख लिए हुए हैं और 2 XLRs इनपुट्स हैं। कोई भी इसके अंदर फिल्ट्रेशन के ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं मिलते हैं, सेंसिटिविटी एंड मोड्स एंड ग्राउंड के अलावा, ठीक है ना, सिंपल से कनेक्शन है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टॉप्स की, लेकिन यहाँ पे जो टॉप्स हैं हमने इसमें चेंजिंग करी हुई है। चेंजिंग क्या करी हुई है कि स्पीकर पहले तो आप देख लीजिए, ठीक है ना, स्पीकर दोनों ही ये अलग हैं। अभी ये जो स्पीकर है ये बेसिकली POAudio का 226 है। ये जो स्पीकर है ये बेसिकली है डायनामाइट का एक 800-1000 के बीच में, यानी 4 in-out है। ये सिंपल एक 4 1 layer वाली कॉइल का स्पीकर है, तो प्रॉपर 600 में से कहेंगे ये, लेकिन जो है वो थोड़ा सा और हैवी हो जाता है। इसका आप जो साइज़ भी तो देख सकते हैं, ठीक है ना। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसमें जो है वो क्या क्या डिफरेंस है। अब ये थोड़ा सा हैवी है, ये थोड़ा सा हल्का है, ये भी हम इस एम्पलीफायर पर डाल के देखेंगे, एक चैनल पे एक चैनल पे एक टॉप, ठीक है ना। इससे आप ये मालूम चल जाएगा कि आप इससे स्पीकर यानी आपका जो टॉप है हल्के भी चला सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपका पावर भी ज़्यादा स्पीकर के हैं तो भी आप इसको रन कर सकते हैं, तो इससे मालूम चल जाएगा। चलिए अभी मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। Oh,
दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग और कैसे लगा दोस्तों इस एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस जरूर नीचे कमेंट्स बताना। आई होप आपको पसंद नहीं बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगेन ये आपको ऐसे लग रहा बहुत छोटा है पावर मगम है, नहीं अगेन मैंने जब ये टॉप में इसकी क्वालिटी सुना है, अगेन ये TD क्लास है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्लास ऐसे बढ़ के मिलेगा या फिर कुछ परफॉर्मेंस में आपको अलग देखने को मिलेगा। ओवरऑल वही चीज़ इसने जो है वो दिखाया मुझे, आउटपुट में कोई कमी नहीं थी। अगेन यहाँ पे जो टोन क्वालिटी होती है, फिर कह लीजिए आप कहते हैं ना कि वाइब्रेशन पंच उतना नहीं मिल पाता आपके टॉप में, या फिर कह लीजिए आउटपुट दबा दबा आता है, इसके साथ में ऐसा नहीं होने वाला। एक चैनल से दूसरे चैनल में अगर आप शिफ्ट करते हैं या फिर मिक्सिंग ज़्यादा करना पसंद करते हैं, या फिर आपको ये भी मालूम होगा कि अगर एक जेनरिक मार्केट का एम्पलीफायर होता है, अगर आप उस पर डीजेइंग करते हैं या फिर उस पर लाइव साउंड चलाते हैं, एकदम से अगर आप पीक देंगे उसे, पीक आउटपुट देंगे, तो वो नहीं चल पाता, या तो क्लिप जाएगा सीधे, या तो एम्पलीफायर ही ख़राब होना है, या फिर बैठता है एम्पलीफायर, ये इशू आएगा। लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं होता है। अगेन यहाँ पे काफ़ी टेस्ट के बाद, या फिर कह लीजिए मतलब क्वालिटी सुनने के बाद, मुझे लगा कि नहीं यार ये एम्पलीफायर काफ़ी वर्किंग है। आप इस पर लोड में आपको आप समझा देता हूँ कि आप इस पर डबल के जो टॉप है आपके, डबल 15 के टॉप है, इजीली चला सकते हैं। अगेन प्राइस पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है इसका, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करूँगा। और ओवरऑल आप इस पर 1200 वाट के टॉप, जैसे कि आपके 600 प्लस 600 हो गया, या फिर 4 इंच में ही इन आउट वाले जो वॉइस क्वालिटी स्पीकर्स होते हैं, वो भी आप इस पर ईजिली रन कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना, एक मेरा टॉप जो कि था इन आउट था, और एक मेरा टॉप 4 में सिर्फ और सिर्फ सिंगल वाइंडिंग था, तो दोनों में मैंने आपको समझाया कि हाँ ये दोनों ही लोड ईजिली चला पा रहा है। हीटिंग इशू दोनों ही चैनल्स में नहीं था। अगेन फैन के बारे में बता चुका, एक फ़ैन बंद भी होगा दूसरा पूरी पोटेंशियल पे चलेगा, तो हीटिंग इशू भी नहीं होगा इसके अंदर। ओवरऑल दोस्तों लो से लो वोल्टेज काफ़ी सारे प्रोडक्शन जो है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगेन एम्पलीफायर की प्राइसिंग कहाँ से अवेलेबिलिटी, नीचे प्राइस मेंशन करा हुआ अवेलेबिलिटी के लिए एरोंस इंडिया, यहाँ पे आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर शोर होगा, यहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर अपने नियरेस्ट डीलर से भी इसको बाय कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।